बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है, जहां पर रेवेन्यू बढ़ाने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। दरअसल राजकीय प्लेन और हेलीकॉप्टर को किराए पर देने की तैयारी चल रही है, जहां पर राजकीय प्लेन का इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस के लिए सरकार करेगी। तो अब तक प्राइवेट प्लेन का एयर एम्बुलेंस के लिए प्रयोग होता है, अब दूसरे राज्यों की राज्यपाल और सीएम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किराए के लिए जो स्टैंडर्ड किराया है उसको सेट किया जाएगा और जल्द ही कहा जा रहा है कि उसको लेकर एक फैसला लिया जाएगा। जब रणनीति पूरी बन जाएगी तो प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है। तो रेवेन्यू को बढ़ाने पर जोर सरकार का लगातार दिख रहा है और इसीलिए लगातार कई अहम पर अहम फैसले उनके जरिए लिए जा रहे हैं, जहां एक और अहम फैसला राजकीय प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को लेकर कि अब उन्हें किराए पर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल से किया जाएगा, इसके साथ ही जो सीएम है, जो राज्यपाल है, वो भी इसका इस्तेमाल अब कर पाएंगे, लेकिन जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया भी जा सकता है। संदीप खेर फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, लगातार कोशिशें हो रही है राज्य सरकार की कि कैसे राज्य को बिल्डअप किया जाए, क्योंकि इस संकट में देखा जाए तो कुछ नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब उस नुकसान की भी भरपाई और इसलिए ये अहम फैसला फिलहाल राजकीय प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को लेकर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए रितु, आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि लॉकडाउन के चलते एक तरह से जो राजस्व संकट था सरकार के पास, उसको लेके सरकार अपनी तरफ से कई तरह के प्रयास कर रही है, जिसमें एक बड़ा और अहम प्रयास ये किया जा रहा है कि जो एयर एम्बुलेंस सेवा अभी तक जो ये इसका उपयोग किया जाता था, ये प्राइवेट प्लेन के माध्यम से किया जाता था, जिसका जो खर्चा होता था वो 7 से 8 लाख रुपए आता था। तो जाहिर सी बात है, आम लोगों की जो जेब पर इसका बोझ है वो ज़्यादा पड़ता था। आपको बता दें, यूपी सरकार के पास देखिए अगर देखा जाए तो लगभग 3 प्लेन हैं, 6 हेलीकॉप्टर हैं और करीब 17 पायलट हैं। तो इसके रख रखाव के इंतज़ाम के लिए, साथ ही साथ एक तरह से राजस्व में बढ़ोतरी के लिए इस तरह का एक फैसला उठाया गया है, जिसको लेके उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की बैठक एक करी गई थी। उसमें कह सकते हैं कि एक तरह से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इसे देखा जा रहा है कि सरकार जो है वो लगातार कह सकते हैं राजस्व से एक बार जूझ रही थी, लॉकडाउन की वजह से कई तरह का राजस्व में घाटा हुआ था, और जिसके जरिए आप कह सकते हैं राजकीय प्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा, और राजकीय प्लेन का इस्तेमाल जो है वो अन्य दूसरे राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी सेवाओं के लिए भी किया जाएगा। इसको लेकर वहाँ की सरकारों के साथ एक AMU साइन किया जाएगा, ज़रूरत के साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको बता दें कि जो एयर एम्बुलेंस सेवा का कह सकते हैं जो लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, वो अब कम पैसा देना पड़ेगा, तो लोगों की जेब पर भी कह सकते हैं बोझ कम आएगा और सरकार इनका रख रखाव भी अच्छे से कर पाएगी और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। तो आपको बता दें कि देखिए जिस तरह से इसकी जो बैठक में इसको एक सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, हालांकि अभी कुछ दिन बाद जब कैबिनेट में बैठक में इसको प्रस्ताव के लिए भेजा जाएगा, फिर इस पर एक अहम फैसला लिया जाएगा कि अब जो भी राजकीय प्लेन है उनको एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए या बाकी जो अन्य विशिष्ट लोग, ये फैसला पहले से ही सरकार की निगाह में था और इसको लेकर पहले से ही काम चल रहा था, एक रिपोर्ट बकायदा इसको लेकर तैयार कर ली होगी जो अब जल्द ही कैबिनेट में शामिल होगी। बिल्कुल रितु, देखिए आपको बता दें, कह सकते हैं कि जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसी के बाद से देश कह सकते हैं कि उसमें जो राजस्व की एक कमी आ रही थी उसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चिंतित दिखाई दिए हैं और उन्होंने कई तरह की योजनाएं भी शुरू करी थी, जिसमें अब कह सकते हैं जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने एक इस तरह का एक प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद उड्डयन मंत्री नंद गोपाल जो नंदी हैं उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उस पर एक संभावित प्रस्ताव भी मिल गई है, प्रस्ताव मिल गई है मंजूरी। लेकिन देखिए इस तरह के अहम फैसले को लेकर जब वो कैबिनेट में भेजा जाता है, क्योंकि एक ये बड़ा फैसला होगा, तो जब कैबिनेट में इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा, जब मंजूरी मिलेगी, उसी के बाद कह सकते हैं इसका जो पूरा एक मसौदा है, जो पूरी एक प्रक्रिया है, वो आगे की शुरू की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इससे कहीं ना कहीं से लोगों को एक फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए अक्सर देखा जाता था जिस तरह की कुछ आपातकालीन स्थिति होती थी जिसमें एयर एम्बुलेंस सेवा का यूज किया जाता था, तो प्राइवेट प्लेन का लोग यूज करते थे, उसका खर्चा ज्यादा होता था। वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार के पास ये सारी सेवाएं मौजूद हैं, यूपी सरकार के पास करीब
17 पायलट हैं, सभी प्लेन हैं, सभी हेलीकॉप्टर हैं, तो एक तो उनका रखरखाव भी हो सकेगा और एक इससे कहीं ना कहीं से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इसको लेके अन्य सरकारों से भी बात करी जाएगी, अगर वो इसका उपयोग करना चाहेंगे तो उनके साथ एक AMU साइन किया जाएगा जिसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को शुरू किया जा सकेगा। हालांकि उसके पहले इसको कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव पास करने के लिए। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।